हेलो फ्रेंड्स, किरण किरति प्राप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर बटुआ बनाने सिखाऊंगी। देखिए, एक इधर जीपर पॉकेट है, देखिए एक ओपन पॉकेट है, और एक इधर भी जीपर पॉकेट है। ये बहुत कम कपड़े में बनकर रेडी हो जाता है। इसके ऊपर से लेस भी सिलाई करी हूँ। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बटुआ बनाने शुरू करते हैं। बटुआ बनाने के लिए ये कपड़ा ली हूँ। देखिए, इसका लंबाई 12.5 इंच है और चौड़ाई 6.5 इंच है। देखिए, इसके नीचे कैरी बैग यूज करी हूँ। आप यहाँ पर फोम भी यूज कर सकते हैं। और नीचे अस्तर है और इसको इस तरह से क्विल्ट कर देना है। देखिए, कपड़े को क्विल्ट कर ली हूँ। और एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको कटिंग करके निकाल देना है। देखिए, ऐसा 2 पीस चाहिए। इसमें भी सेम इसी तरह से बीच में कैरी बैग और नीचे अस्तर, ऊपर से मेन कपड़ा रखकर क्विल्ट कर लेना है। इसके बाद एक पीस लेंगे, इधर से 1 इंच पर मार्क लगा लेना है। और इधर से भी 1 इंच पर मार्क लगा लेना है। फिर इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। फिर इसको कटिंग करके निकाल लेंगे। यहाँ हम जिप लगाएंगे। देखिए, यहाँ मैं पैंट में लगाने वाला जिप यूज कर रही हूँ। जिप को कपड़े के ऊपर उल्टा रखकर इस तरह से सिलाई लगा देना है। देखिए, जिप सिलाई कर ली हूँ। ऊपर से बैठने वाला सिलाई लगा दी हूँ, जो ये 1 इंच का कपड़ा कटिंग किए हैं। इसको जिप के ऊपर इस तरह से रखकर सिलाई लगा देना है। देखिए, सिलाई कर दी हूँ। ऊपर से बैठने वाला सिलाई लगा दी हूँ। जो एक्स्ट्रा जिप बचा है उसको कटिंग करके निकाल देना है। इसके बाद दूसरा पीस लेंगे और इधर से 2.5 इंच पर मार्क लगा लेंगे। और दूसरी साइड भी 2.5 इंच पर मार्क लगा लेंगे। इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इसको कटिंग करके निकाल देना है। इसमें जिप लगाएंगे। देखिए, जिप को कपड़े के ऊपर उल्टा रखकर सिलाई लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, जिप सिलाई कर ली हूँ। ऊपर से बैठने वाला सिलाई लगा दी हूँ। ये 2.5 इंच का जो कपड़ा कटिंग करके निकाली हूँ, इसको जिप के ऊपर रखकर इस तरह सिलाई लगा देना है। देखिए, जिप सिलाई कर ली हूँ। ऊपर से बैठने वाला सिलाई लगा दी हूँ। जो एक्स्ट्रा जिप है उसको कटिंग करके इस तरह निकाल देना है। दोनों पीस लेंगे फ्रेंड्स। एक पीस को इस तरह अपोजिट रख लेंगे। इस तरह से रखना है। देखिए, इस तरह से इतना फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इसका चौड़ाई है 6.5 इंच और इसके सेंटर में 3.25 इंच पर मार्क लगा लेंगे। ऊपर से इस तरह कपड़े को मोड़ते हुए फ्लैप बनाएंगे और यहाँ भी मार्क लगा लेंगे। देखिए, ये मार्क लगाए हैं। यहाँ वेलक्रो लगाएंगे। देखिए, ये वेलक्रो है। ये जो मार्क लगाए हैं यहाँ रखकर इस तरह सिलाई लगा देना है। इधर भी रखकर चारों साइड से सिलाई लगा देना है। देखिए, दोनों पीस में वेलक्रो सिलाई कर ली हूँ।
देखिए एक पीस को इस तरह अपोजिट रखकर, देखिए इस तरह से रखकर यहाँ से सिलाई लगा देना है। इसके बाद पाइपिंग लगाने के लिए 1.5 इंच का एक कपड़ा लेंगे। कपड़े को इस तरह से नीचे रखकर सिलाई लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स पाइपिंग सिलाई कर ली हूँ। इसका चौड़ाई है 1.5 इंच और लंबाई सेम साइज है। कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स फोल्ड करके सिलाई लगा दी हूँ। इसके बाद इधर से 4.5 इंच पर मार्क लगाना है और दूसरी साइड भी 4.5 इंच पर मार्क लगा लेना है। इस तरह से ज्वाइन कर लेना है और यहाँ एक सिलाई लगा देना है। इस तरह से एक पॉकेट बनकर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सिलाई लगा दी हूँ, पॉकेट बनकर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद तीनों साइड सिलाई कर लेना है। देखिए तीनों साइड से सिलाई लगा दी हूँ। देखिए इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। देखिए इधर से 1 इंच पर मार्क लगाएंगे और दूसरी साइड भी 1 इंच पर मार्क लगाएंगे। देखिए इसको इस तरह से रखकर यहाँ से सिलाई लगा देना है और दूसरी साइड भी यहाँ से सिलाई लगा देना है। देखिए सिलाई लगा दी हूँ। टोटल 3 पॉकेट बनकर कंप्लीट हो गया है। देखिए 2 जीपर पॉकेट है और एक ओपन पॉकेट है। इसके बाद फ्रेंड्स पाइपिंग लगाने के लिए ऐसा एक कपड़ा लेंगे। इसका चौड़ाई है 2 इंच और लंबाई बटुए के अनुसार लेना है। देखिए कपड़े को यहाँ से कटिंग कर लेना है और यहाँ इस तरह रखकर सिलाई लगा देना है। देखिए सिलाई लगा दी हूँ। पाइपिंग को इस तरह फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा देना है। देखिए ऊपर से पाइपिंग सिलाई कर ली हूँ। देखिए इसके एक साइड में पाइपिंग लगाएंगे। देखिए ऊपर से 1/2 इंच कपड़ा फोल्ड कर लेना है और नीचे से भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखकर यहाँ से सिलाई लगा देना है। देखिए सिलाई कर दी हूँ। दूसरी साइड भी इसी तरह पाइपिंग सिलाई कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स कपड़े को इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ से सिलाई लगा देना है। दूसरी साइड इसी तरह सेम कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देना है। दोनों साइड पाइपिंग सिलाई कर ली हूँ। इसके बाद ऐसा लेस लगाएंगे। ये ब्लाउज में लगाने वाला लेस है। देखिए पाइपिंग के ऊपर सेंटर से रखते हुए इसको इस तरह से सिलाई लगा देना है। देखिए इसी तरह इसी तरह से पूरे पाइपिंग में लेस को सिलाई कर लेना है। देखिए पूरे पाइपिंग में लेस सिलाई कर दी हूँ। पीछे साइड भी लेस सिलाई कर दी हूँ। देखिए इस तरह से बटुआ बनकर कंप्लीट हो गया है। मेरा बटुआ पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।